यहाँ पे ये व्यक्ति 32 की एज में इनकी शादी हुई थी और 39 की इस समय यहाँ पे एज है। ये शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि शादी क्या ये एक और कर सकते हैं और ये कैसी रहेगी। शादी के लिए ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो आप ये देखिए कि साइड ऑफ द पाम सोचते हैं कि वहाँ पे शादी के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि तीन रेखाएं दिखाई देती हैं। अब ये देखिए कि ये पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा। तीसरी रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है कंपेयर टू पहली दो रेखाओं के। ये शादी से थोड़ा सा परेशान है और ये जानना चाहते हैं कि क्या वापस से इनकी शादी एक और होएगी या नहीं होएगी। ये दिल की रेखा है और दिल की रेखा ये दिल की रेखा है। अब यहाँ पे क्या है कि दिल की रेखा के जो नज़दीक रेखाएं होती हैं, ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये होती हैं जो अर्ली पीरियड पे हमारे रिलेशनशिप बनते हैं। कई लोग कहेंगे कि उनका एक भी रिलेशनशिप नहीं बना है, मतलब हाथ पे देख के, मतलब कि हम ये बताते हैं कि यहाँ पे तो व्यक्ति की तीन रेखाएं हैं, लेकिन तीन रेखाओं होने के बावजूद भी व्यक्ति ये कह सकता है उनका एक भी रिलेशनशिप नहीं बना है लाइफ के अंदर, ऐसा भी पाया गया है। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तीन रेखाओं का मतलब तीन शादियाँ। तीन रेखाओं का मतलब ये होता है कि तीन व्यक्तियों के साथ व्यक्ति का विशेष प्रेम रहता है। तीन लेडीज़ के साथ या तीन किसी भी व्यक्ति के साथ इनका विशेष प्रेम रहता है। और ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट हो जाता है शादी में। यहाँ तक भी हो सकता है कि व्यक्ति दूर से किसी व्यक्ति को पसंद करता है और कभी भी उसकी हिम्मत नहीं होती है आगे जाके बात करने के लिए। तो ये रेखाएं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इनको तीन शादियों से रिलेट नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। अब अगर यहाँ पे नहीं देखा जाएगा तो कहाँ पे और देखा जा सकता है, उस चीज़ को हम कोशिश करते हैं देखने के लिए। ये तो मैंने आपको साइड ऑफ द पाम बताया है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति ने और है अपनी हैंड की इमेजेस भेजी हुई हैं। इस हैंड की इमेज पे देखिए कि इस हैंड की इमेज को लेते हैं। अब इस हैंड में आप एक दो चीज़ें नोटिस कीजिए। जो टाइमिंग मैं बताता हूँ कि ये पैसे की, पहले मैं पैसे की रेखा ड्रॉ करता हूँ, ये दिमाग की रेखा है। तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एज 35 हो जाती है। अब आप ये देखिए कि इस इंटरसेक्शन से पहले पहले एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस दिखाई देती हैं। ये सब 35 से पहले का पीरियड है और 35 से पहले के पीरियड में आप नोटिस कीजिए कि लाइंस, जो दिमाग की लाइन है वो परफेक्ट नहीं है, वो एक सिंपल दिल की रेखा नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप पे मैं एक आपको दिखाने की के लिए मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये सिंपल सी जितनी दिल की दिमाग की रेखा रहेगी उतनी व्यक्ति का प्रिडिक्टेबल थॉट्स रहेंगे और वो व्यक्ति में कहीं पे भी दिमागी परेशानी नहीं उसकी पैदा होगी। लेकिन यहीं पे ही अगर किसी व्यक्ति की इस टाइप से रेखाएं जाएंगी, ये मंगल का इलाका है। मंगल का क्या इलाका? मंगल को मार्स का इलाका, और मार्स एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब एंगर, एग्रेशन एंड फायर होता है। और यहाँ से निकलती हुई रेखाएं अगर जाके दिमाग की रेखा को छूती हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा व्यक्ति की हो जाती हैं और यहाँ पे व्यक्ति परेशान महसूस करता है। तो अलग अलग समय पे आप ये देखिए कि ये रेखाएं आगे जाती हैं और छूती हैं। अब इनको बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये कई सारे लोगों में पाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी सक्सेसफुल मैरिज चल रही है उनके हाथ पे नहीं पाई जाएगी, उनके हाथ पे भी पाई जा सकती है। ये कुछ और भी परेशानियां व्यक्ति के हाथ में बता सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि व्यक्ति की केवल मैरिज से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो इंटरसेक्शन ये था 35 की एज, तो 35 से आगे तक ये आइलैंड चलता है। तो अगर यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे तक हम ये मान के चलेंगे करीब 37, 38, 39 की इस एज के आसपास तक ये रहता है। सो ये प्रॉब्लम्स 39 तक के आसपास रहेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कम हो जाएंगी।
साथ ही में आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि व्यक्ति की दिमाग की रेखा एक ऊपर की तरफ जाती है। दिमाग की रेखा से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाओं को कहा जाता है कि व्यक्ति को सक्सेस मिलता है। और कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जिससे कि उठान आता है। उठान का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बेटरमेंट आता है। अब ये बेटरमेंट दो रूप में आ सकता है। इनका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन था। ये एक तरफ से ये भी हो सकता है कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी शादी के रिगार्डिंग। और दूसरा एक और चीज़ हो सकती है कि व्यक्ति का एक नया काम आ सकता है और उसे उन्नति मिल सकती है और वो अपने काम में पूरी तरह से लग जाएगा और जिसकी वजह से उसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो इस अपवर्ड रेखाओं को अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इसी जगह पे कोई बैकवर्ड रेखाएं अगर होती हैं, बैकवर्ड रेखा पॉइंट करती है मंगल की तरफ, तब उसको नेगेटिव मान के चलते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि अलग अलग जगह पे ये बैकवर्ड रेखाएं हैं। बैकवर्ड रेखाएं लॉ सूट्स और लॉ सूट्स में ये भी हो सकता है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज वगैरह में परेशानी आना, ये सब चीज़ें डिपेक्ट करता है। लेकिन इन पे आप ज़्यादा इसके ऊपर मतलब कि ये बताने के लिए मैंने बताया है, लेकिन आप ये मत समझिए कि ऐसा ही होगा। और अगर व्यक्ति की दिमाग की रेखा स्टेबल रहती है, आप ही देखें कि आगे की जो दिमाग की रेखा है स्टेबल दिखाई देती है। अब ये जो दिमाग की रेखा पे ही हम सब चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि हम साइड ऑफ द पाम पे देखेंगे कि कैसी रेखाएं हैं, कि कैसी आपकी शादी रहेगी। यहाँ पे तो रेखाएं एकदम ठीक ठाक दिखाई देती हैं, यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखाई देती है। सो हम और जगहों पे कोशिश करते हैं कि और जगहों पे व्यक्ति की शादी की चांसेस कैसे रहते हैं। तो अगर दिमागी व्यक्ति का संतुलन बना रहता है, तो इसका मतलब यही है कि जो वो चाहता है वो चीज़ हो रही है। चाहे या तो उसकी शादी ठीक ठाक हो जाती है, जो हुई भी है उसमें प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, या फिर उसकी दूसरी शादी हो जाती है, दूसरा अटैचमेंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसे खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे तो दिमाग की रेखा पे देखा। अब हम यही चीज़ व्यक्ति के दिल की रेखा पे देखने की कोशिश करते हैं कि दिल की रेखा पे क्या चीज़ इंडिकेट होती है। अब ये दिल की रेखा पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, दिल की रेखा ऐसे जाती है और उसके ऊपर कुछ ब्रांचेस वगैरह दिखाई देते हैं। अब ये जो ब्रांचेस को हम जनरली अच्छा नहीं मान के चलते हैं, और ब्रांचेस क्या करता है, व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करता है, फ्लर्टेशियस बना देता है। फ्लर्टेशियस का मतलब कि वो इधर उधर उसका एकाग्रता भंग होती है, और एकाग्रता भंग होने की वजह से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक जाता है। मतलब उसकी एक रिलेशनशिप में भी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप में उसकी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, या फिर वो अपनी मैरिज से अलग हटके वो चीज़ें देखता है। अब जरूरी नहीं है कि उसकी एकदम रिलेशनशिप हो। आप ये भी मत मान के चले कि ये केवल चाहते बता रही है। ये इसका मतलब ये नहीं कि एकदम व्यक्ति की कहीं ना कहीं नई उसकी उसकी उसके लव अफेयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब यही है कि एकाग्रता भंग हो रही है, और एकाग्रता भंग होने का मतलब है कि व्यक्ति इधर उधर ताक झांक रहा है। और मैरिज हर समय टफ रहती है। आप ये मत समझिए कि मैरिज में कभी भी इजी इजी गोइंग रहती है। हर समय पे उसमें चैलेंजेस रहते हैं, और उसकी वजह से ये सब परेशानी आती रहती हैं। एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि इनके हाथ पे दिमाग की रेखा में आप ये देखिए कि एक टाइप से एक लहर टाइप दिखाई देती है। अब लहर टाइप भी ना हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और ये एक टाइप से लहर का मतलब ये होता है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है, और वो कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन उसका बिगड़ता है। आपकी जो रेखाएं होती हैं वो एक तरह से चलनी चाहिए। एक एक होता है ना कि ऐसा देखिए, कई लोगों के हाथों पे एकदम आप ये देखेंगे एकदम सीधी टाइप की होगी, तो सीधी टाइप की एकदम व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देगी। कई जगहों पे यही रेखा थोड़ी सी झुकाव हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि एक ग्रेजुअल स्विंग आ रहा है, उसमें एक प्रिडिक्टेबल पाथ आ रहा है। जैसे कि रेलगाड़ी चलती है, तो एक ऐसा नहीं है कि जब उसको लेफ्ट जाना होता है तो एकदम 90 डिग्रीज पर लेफ्ट हो जाता है। उसमें एक ग्रेजुअल उसका एक पाथ होता है, जिसमें हो सकता है उसको आधा 1 किलोमीटर लगता है एकदम, या 2 किलोमीटर लगता है उसको लेफ्ट जाने के लिए या राइट जाने के लिए। तो अगर आपकी दिमाग की रेखा में एक ग्रेजुअल स्विंग है तो उसको ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन यही रेखा अगर उसमें एक वेव लाइक फॉर्मेशन आ जाती है, तब वहाँ पे बिगड़ाव आता है और उसकी वजह से व्यक्ति परेशान होता है।
आगे जाके यही जो चीज़ है वो थोड़ी सी एक नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो नीट एंड क्लीन होने का मतलब कि नीट एंड क्लीन के का मतलब एक तो यहाँ पे आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस नहीं है जैसे कि इस जगह पे हैं, और परेशानी वाली जो लाइंस जो मंगल की तरफ से आ रही हैं वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानियों से दूर हो जाएगा। और ये जो अपवर्ड जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये भी अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं, और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेटर माना जाता है कि चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। अब एक और लास्ट चीज़ मैं ऐड करता हूँ, हमने बात की थी केवल यहाँ पे रिलेशनशिप की, यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड की, व्यक्ति की जब पैसे की रेखा चंद्र पर्वत से ओरिजिनेट होती है तो उसको लेडी लक मिलता है। अब लेडी लक का मतलब ये होता है कि शादी के बाद बेटरमेंट आता है, और या तो जरूरी नहीं कि शादी के बाद ही आए, वो हो सकता है विदेश में रहता है तब भी बेटरमेंट आता है। और इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि व्यक्ति ट्रेडिंग एक्टिविटी या सर्विस इंडस्ट्री में होगा तो वहाँ पे ज़्यादा बेटरमेंट आता है। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि पैसे की रेखा जो है वो एक तरह से चलती भी जा रही है और कहीं ना कहीं 35 के आसपास आके एंड हो रही है और नई बन रही हैं। और यहाँ पे एक स्क्वेयर लाइक फॉर्मेशन भी आता है। स्क्वेयर लाइक फॉर्मेशन पैसे की रेखा पे रहेगा तो व्यक्ति की प्रॉपर्टीज बनती हैं, बनती हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस टाइप के छोटे छोटे स्क्वेयर्स दिखाई देते हैं तो वो प्रॉपर्टीज वगैरह बन सकती हैं। अब इनका जो बिजनेस है वो इन्होंने बताया है कि वो पेट्रोकेमिकल संबंधित भी है, वो पेट्रोल पंप्स वगैरह भी हैं। ये इलाका जो होता है वो शनि का होता है। शनि का मतलब ये होता है कि जमीन से निकली हुई जमीन से निकलता हुआ कोई भी धन, चाहे तो वो दबावा धन होता है, चाहे वो पेट्रोल संबंधित होता है, किसी भी और चीज़ संबंधित होता है या केमिकल संबंधित होता है। तो ये केमिस्ट भी हैं और साथ में इनके पेट्रोल पंप्स वगैरह भी हैं। अब हर एक व्यक्ति की जो पैसे की रेखा होती है वो यहीं पे ही यहाँ पे जाके एंड होती है। तो हर एक का बेसिकली पेट्रोल पंप, और आप ये मत समझिए कि हर एक का पेट्रोल पंप होएगा या वो केमिस्ट होएगा या वो केमिकल्स का व्यापारी होएगा, लेकिन इस जगह पे जितना ज़्यादा ये इलाका नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा व्यक्ति को फायदे मिलेंगे उस चीज संबंध से, जमीनी संबंध से। अब यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रेखाएं हो जाती हैं तो, लेकिन ये क्योंकि खड़ी भी रेखाएं हैं तो इसको हम कोई नेगेटिव नहीं कहेंगे। और यहाँ पे एक रेखा नहीं होके मल्टीपल रेखाएं हैं तो व्यक्ति के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे। और यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो दिल की रेखा है, ये जो दिल की रेखा के ऊपर ऊपर का पोर्शन होता है 53 के बाद का पोर्शन, सूर्य रेखा का भी आप ये देखें कि 53 के बाद का पोर्शन यही है कि दिल की रेखा के ऊपर ऊपर का पोर्शन, 53 के बाद का पोर्शन, यहाँ पे एक रेखा नहीं होके मल्टीपल रेखाएं दिखाई देती हैं। आप ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, पैसे की रेखा भी 1, 2, 3, 4। अब आप एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं जरूरी है कि व्यक्ति की जब 3, 4, 5 रेखाएं होंगी तभी उसको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे देखा यह गया है कि जितनी कम रेखाएं पाई जाती हैं, चाहे एक भी रेखा नहीं हो उसको भी हम अच्छा कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग लाइंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रिस क्रॉसिंग लाइंस करेंगे तो वो एरिया डिस्टर्ब हो जाता है और लॉसेस वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि खड़ी हुई रेखाएँ ज़्यादा पाई गई हैं, तो खड़ी हुई रेखाओं का मतलब है कि ठीक ठाक व्यक्ति का काम चलेगा और एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। और इसी तरह से सूर्य रेखा भी इसी टाइप से ही है, कुछ कमज़ोर रेखाएं हैं, कुछ स्ट्रांग रेखाएं हैं। स्ट्रांग रेखाओं का मतलब कि काम अच्छा चलेगा, और कुछ जो हल्की रेखाएं हैं वो होंगी तो ज़रूर, मतलब कि काम के बारे में व्यक्ति सोच सकता है जैसे ये इतनी हल्की रेखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली वो वाला काम करेगा। तो आप ये देखें मत मान के चलिए कि 4 रेखाएँ होंगी तो 4 डिफरेंट काम होंगे, लेकिन इसको ये मान के चलिए कि जैसे एक हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में जो एक पिलर लगा हुआ है तो किसी ने अगर एक और पिलर लगा दिया तो बिल्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहीं पे सेम चीज़ है कि एक और रेखा का मतलब एक और स्ट्रेंथ आ जाएगी व्यक्ति के काम में। कई बार पैसे की रेखा पे रिलेशनशिप भी देखी जाती है, एक और अगर लाइन एडअप होती है तो एक नई रिलेशनशिप को भी देखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो काम संबंधित भी और नई रिलेशनशिप संबंध भी देखा जा सकता है। तो आप ये देखिए कि ये दिमाग की रेखा है, दिमाग की रेखा के ऊपर 35 से आगे का पीरियड है, यहाँ पे एक नई रेखा पैदा होती है तो ये
39, 40, 41 की आसपास की एज है जब ये नई शुरुआत होती है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पैदा हो सकती हैं। अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो 41 के बाद, और जब व्यक्ति 42 में रन करा होगा, तब नई पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली में हो। व्यक्ति जब 2026 में रन करा होगा, 2026 में उसकी एज होगी 2026 माइनस 19।